बाबा, नींद ही नहीं आ रही। अरे आई, तू सोई नहीं अभी तक? नहीं रे बेटा, नींद ही नहीं आ रही है। वो अर्चना का टेंशन लगा रहा मुझे। तूने फोन किया था, वो पहुंच गई? हाँ वो पहुंच गई, अभी अभी उसी से बात कर रहा था। अभी तो कुछ देर में वो गेस्ट हाउस भी पहुंच जाएगी। अच्छा हो गया, चलो टेंशन मिट गया और सुलोचना ताई को राहत मिल जाएगी। वैसे तो उनके पास कोई नहीं उनकी देखभाल करने के लिए, है ना? बेटा तू क्यों टेंस लग रहा है? कुछ नहीं आई, वो अर्चना का कहना था कि पूजा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं एक बार पूर्वी से बात करूं। नहीं, बातें खत्म हो गई, भूल जा। देख बेटा, तू पूर्वी से कुछ पूछेगा वो जवाब देगी, वो भी उसका गलत मतलब निकालेगी, फिर से झगड़े। नहीं चाहिए, थक गई मैं। जा बेटा, तू जाके सो जा, तू बहुत थक गया। बाबा आइए ना। बाबा, आई का फोन आया था? हाँ, वो वहां पहुंच गई है। चलो अच्छा है, आई एम श्योर कि आई बहुत बेटर फील करेंगी। सुलोचना जी की तबीयत खराब है ये सुन के वो इतना घबरा गई थी, और जिस तरह वो भाग कर गई मैं तो डर ही गई थी। बाबा हाजी, अब कैसी है आई? मुझे अपने साथ नहीं लेगी, वरना मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी। तो चिंता मत कर, अर्चना है ना सुलोचना का ध्यान रखने के लिए। बेटे, मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए ना बाबा। तूने ओवी के सामान को हाथ क्यों लगाया? अर्चना जाते जाते बार बार मुझसे कह रही थी कि पूर्वी कुछ छुपा रही है। और बेटे, ये तो मैं भी जानता हूं कि जब तूने अर्जुन और रोवी के पिक्चर्स देखे होंगे, तूने वो एल्बम वहीं रख दिया होगा जहां से तूने निकाला था। जब तूने बैग से कोई सामान उठाया ही नहीं, तो फिर तूने अपनी गलती क्यों कबूल की? बाबा, बाबा रहने दीजिए ना, ये सारी बातें तो हमने पहले भी कर ली है ना, और उसने कहा कि वो। फिर भी मैं दोबारा सवाल करना चाहता हूँ। पूर्वी, मुझे बताओ सच्चाई क्या है? देख बेटे, मैं तेरा बाबा हूं, तो दुनिया से सच्चाई छुपा सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। मुझे बता सच्चाई क्या है। बाबा रहने दो ना। ओ भी चुप कर, मैं पूर्वी से बात कर रहा हूं। बता बेटे, सच्चाई क्या है? बाबा, बाबा मैंने जो कुछ भी किया वो भी की भलाई के लिए किया। पूर्वी, साफ साफ कह, क्या कहना चाहती है?
एक्चुअली ओवी के कुछ कपड़े सूटकेस से बाहर रखे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं उन्हें अंदर रख देती हूँ और मुझे ये बॉटल मिली। मुझे ओनर ने बताया था कि ओवी की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, उसका वूम बहुत वीक है और अगर वो ड्रिंक करेगी तो सिचुएशन और खराब हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ओवी ड्रिंक करे। जब ओवी ने उसकी कोई चीज चोरी होने का जिक्र किया तो मुझे लगा कि शायद वो इसी के बारे में बात कर रही है। मैंने जो भी किया ओवी की भलाई के लिए किया। ओ शट अप पूर्वी, तुम बाबा को बताना चाहती थी, बता दिया ना तुमने। मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम ये नाटक करती रहती हो कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। ओवी बहन हूँ मैं तेरी, चिंता है मुझे तेरी। चिंता है तो ओवी की निजी जिंदगी में दखल देना छोड़ दो। ओवी बिल्कुल सही कह रही, तुझे अभी इसी वक्त ये सब कुछ बंद करना होगा। 6 महीने पहले तू इसकी जिंदगी से चली गई है ना, तो फिर इसके निजी मामलों में दखल क्यों दे रही है तू? ये ले बेटा, ये तेरी बॉटल। कुछ तो है इसमें, ऐसा क्या है जो अपनों से और अपनों के प्यार से बड़ा है? इनफैक्ट मैं तो सोचता हूं कि आज थोड़ी सी पीकर देखता हूं। मैं चाहता हूं कि पता तो चले कि आखिर में इसने ऐसा क्या है जो लाख मना करने के बाद भी तू उसे पी रही है। पापा, क्या हुआ? अपने बाबा को पीते देख अच्छा नहीं लगा ना? तो फिर तू सोच, तेरे बाबा पर क्या बीतती होगी जिसकी बेटी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रही है। कितनी बार मना किया तुझे कि इसे मत पी, कितनी बार बेटे? अरे बाबा, सॉरी मामा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry. I'm sorry, बेटे। नहीं बाबा, बहुत ही sorry मत बोलिए। मिस्टी, अब एक भी कप और नहीं। अरे मिस्टी सुनो तो, मैंने आपको सिर्फ 3 चाय पीने की परमिशन दी थी एक दिन में, आपका चौथा कप है उन्हें। बस अब इसके बाद आपको एक भी कप चाय नहीं मिलेगी, समझे? हाँ दी तो है, लेकिन मिस्टी अब एक काम करता हूँ, कल से मैं ना सिर्फ 3 कप ही पीऊंगा। अब ये बन गई है तो वेस्ट हो जाएगी ना, तो ये दे दो ना मुझे, मैं पी लेता हूँ। ठीक है, लास्ट कप दे दो मिस्टी। अरे Thank you.
मिस्टी मिस्टी संभाल के। मिस्टी मेरा एक इमरजेंसी केस है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे उन्हें कहाँ जा रहे हैं? आप पहले प्लीज नाश्ता कीजिए, ऐसे नहीं जा सकते, बैठे यहाँ पे। मैं मुझे लेट हो रहा है। 2 मिनट में आपका नाश्ता लेके आती हूँ। उन्हें मैं आपके फेवरेट पराठे बनाया, ऐसे नहीं जा सकते। अरे जल्दी नाश्ता लाओ भाई, मुझे लेट हो रहा है बहुत। मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं। नमक से धागे रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए खुद से क्यों दूर भागे। आंसू नमक से धागे रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए खुद से क्यों बाबा मेरे सामान में से कुछ चीजें गायब है, जानती हूँ वो चीजें तुमने ही ली। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर वो चीजें तुम मुझे अभी लौटाती हो तो मैं ये टॉपिक अभी खत्म कर दूंगी। कहीं अर्जुन को अल्कोहल वाली बात पता तो नहीं चल गई, तो इसी बारे में मुझसे बात करने आया हो। ओवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, क्योंकि घर मैंने जो कुछ भी किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था इतना बड़ा। रिलैक्स, आजा बैठो। देखो भी प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिलता, उन्हें फेस करो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात करो। आई नो कि तुम इस एल्बम को लेके काफी ज्यादा पोसेसिव हो, लेकिन ये एल्बम हमारे रिश्ते से बढ़कर तो नहीं है ना? नहीं ना? को भी आई नो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। Try and trust me. और फिर तुम्हारे पास ये एल्बम हो या ना हो मैं रहूंगा, और इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना पैनिक मत हुआ करो प्लीज। तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही बहुत ज्यादा है और तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, सो डोंट डू दिस, ओके? चल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। मैं सच कह रही हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ ना
उसके बाद तो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो मैंने पूर्वी पे शक किया, ऊपर से उस पे इतना चिल्लाया भी। इट्स ओके, हो गया। तुम्हें पता है होगी, ये जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, ये सिर्फ दो चीजों पे टिका होता है, एक है प्यार और दूसरा विश्वास। अगर इन दोनों चीजों में से किसी भी चीज की कमी हो ना, तो ये रिश्ता टूट जाता है। अर्जुन, पता है, प्यार और विश्वास, ये दोनों चीजें एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होती है। विश्वास होता है जो रिश्ते को और मजबूत बनाता है, और अगर कभी भी रिश्ते में प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले सवाल विश्वास पे उठता है। तुम्हें अर्जुन, हाँ, तुम सुन रहे थे ना मैंने क्या कहा? कौन सुन रहा था? वेरी गुड, तो फिर बताओ मैंने क्या कहा? तुम मैं तुमने हम बात कर रहे थे ना, ये क्या? एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मैं ना किसी और ही ख्याल में खो गया था। आई एम सॉरी। किस ख्याल में खो गए थे? हमारे ख्याल में। हमारे बारे में? देखो, हमारी सगाई हो चुकी है, अब हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे। बच्चे? तो मैं हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? पूर्वी हमारे बच्चे आने के बाद हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी ना, है ना? हाँ अर्जुन, हमारी जिंदगी में तब खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारा पूरा दिन हमारे बच्चों के साथ बीत जाएगा, हम उनकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करेंगे, उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे, और उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे। मुझे माफ कर दो अर्जुन, 6 महीने पहले मैंने तुम्हें ओबी से शादी करने के लिए कहा, क्योंकि मैंने हमेशा से ओबी की आंखों में तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा प्यार और विश्वास देखा था। कहीं ना कहीं मुझे ये भी यकीन था कि ओबी और तुम इस रिश्ते को अपने बचपन की दोस्ती और विश्वास से कामयाब बना लोगे। सब कुछ भुलाकर तुम दोनों नई शुरुआत करोगे और मेरे दूर जाने से सारे पिछड़े रिश्ते सिमट जाएंगे। भाई को उसका परिवार वापस मिल जाए और ओफी को उसका प्यार। मेरे लिए तुमसे दूर जाना आसान नहीं था, लेकिन ओवी के दिल में, उसके दिल में तुम दोनों के रिश्ते को लेकर कोई इनसिक्योरिटी ना रहे, इसलिए मैं मुंबई छोड़कर भी चली गई। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे दुख से कहीं ज्यादा दुख और सैक्रिफाइस तुम्हारा है। मैं तो शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई अर्जुन, लेकिन तुम अभी भी वही हो, और ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। पापा मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे।